स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्वेश्चन है कोसिकेट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है स्टूडेंट 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इसके लिए हमारे पास ये सारी आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। देखो तीन आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाली हो गई ठीक है, और एक रेसिप्रोकल भी हमें साथ के साथ ये छह के छह याद होने चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हमारे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कोस, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस बाय साइन। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे साइन और कोस में कन्वर्ट करने से होंगे, बट टेंजेंट थीटा वगैरह जो भी चीजें हैं इन सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व हो जाएंगे। बहुत कम चांसेस है कि जिनमें बिना कन्वर्ट किए काम चलेगा। ओके तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रहेगा स्टूडेंट कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ओके कोसिकेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। कोट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा। ओके अब क्या करते हैं होल स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, साइन थीटा एलसीएम आ गया हमारे पास। होल स्क्वायर के अंदर ही चलेगी पूरी प्रोसेस, बेस सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कोस थीटा मीन्स साइन थीटा कैंसिल 1 बचा, साइन थीटा कैंसिल कोस थीटा बचा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स नो प्रॉब्लम अप टू हियर। तो इस ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर देते हैं और नीचे वाले का अलग कर देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पावर चाहे होल लिखो चाहे यहाँ लिखो सेम रहता है स्टूडेंट्स। हाँ जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूं और इसको इधर पहुंचा दें ठीक है ना, क्या था हमारे पास आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो नीचे वाले को मैं चेंज कर देता हूं स्टूडेंट, ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर से यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 1 और बी का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स कोस थीटा। तो 1 माइनस या प्लस कोस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा। तो स्टूडेंट ऊपर हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 है और नीचे 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1 है, मींस एक कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचा स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि पावर 2 थी ना एक ही कटी, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स, ओके ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। Thank you.